किसान भाइयों, खीरे की कुछ ऐसी खास हाइब्रिड वैरायटियां जिनके सिर्फ एक पौधे से 300 से 400 फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं और इनको बिना किसी पॉली हाउस के खेतों में लगाया जा सकता है और इनका बीज मात्र 200 रुपए से लेकर 400 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से अपने घर मंगा सकते हैं। तो आज ऐसे ही 5 खीरे की हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप अपने इंडिया में बिना किसी पॉली हाउस के खेतों में लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, इस लिस्ट के नंबर 1 पे है स्वाति सीड्स की राधे F1 हाइब्रिड ककंबर। खीरे की इस वैरायटी को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य में फरवरी महीने से मार्च महीने तक और जुलाई महीने से अगस्त महीने तक लगा सकते हैं। इसके फलों का रंग चमकदार गहरा हरा और फलों की लंबाई 18 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी की पहली हार्वेस्टिंग बुआई से लेकर 38 से 40 दिनों में हो जाती है। स्पेशली इस वैरायटी के फलों की गुणवत्ता, फ्रूट शेप, साइज, कलर और चमक बहुत ही बेहतरीन होती है। मार्केट में इसका 10 ग्राम बीज 300 रुपए से लेकर 350 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। लिस्ट के नंबर 2 पे है न्योन यू सीड्स का सानिया F1 हाइब्रिड ककंबर। खीरे की इस वैरायटी को आप सभी खीरे उत्पादित राज्यों में फरवरी, मार्च और जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। इसके फल चमकदार हरे रंग के 18 से 20 सेंटीमीटर लंबे, 250 से लेकर 300 ग्राम वजन के होते हैं। खीरे की यह वैरायटी फ्रूट क्वालिटी और उत्पादन के मामले में काफी बेहतरीन है। इसकी पहली हार्वेस्टिंग लगाने से 46 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाती है। खीरे की सानिया वैरायटी स्पेशली सलाद के लिए बहुत ही खास है। मार्केट में इसका 10 ग्राम भी 450 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। लिस्ट के नंबर 3 पे है न्योन यू सीड्स का रुचता F1 ककंबर सीड्स। इसकी बुवाई सभी खीरे उत्पादित राज्यों में फरवरी, मार्च और अगस्त सितंबर में की जा सकती है। इसके फलों का कलर हरके हरे धारियोंदार 18 सेंटीमीटर लंबे और 200 से 250 ग्राम वजनदार होते हैं। इसकी पहली हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिनों में हो जाती है। पंजाब और हरियाणा के कुछ राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने में की जा रही है। किसान भाइयों, इसका 10 ग्राम सीड्स मात्र आपको 200 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। लिस्ट के नंबर 4 पे है न्योन यू सीड्स का मारिया F1 हाइब्रिड ककंबर सीड्स। इसकी बुआई आप 15 जनवरी से लेकर फरवरी तक और अगस्त से लेकर सितंबर तक खीरे के उत्पादित राज्यों में कर सकते हैं। इसके फल हल्के हरे धारियोंदार 18 सेंटीमीटर लंबे, 200 से 250 ग्राम वजनदार होते हैं और इसकी पहली हार्वेस्टिंग 45 से 48 दिनों में स्टार्ट हो जाती है। मार्केट में इसका 10 ग्राम सीड्स 140 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। लिस्ट के नंबर 5 पे है ट्रॉपिका इंडोसेम्स का एविवा F1 हाइब्रिड ककंबर सीड्स। इस वैरायटी की खेती इंडोर और ओपन फील्ड दोनों में की जा सकती है। इसकी बुआई फरवरी, मार्च और अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। फलों का रंग गहरा हरा चमकदार, 23 से 25 सेंटीमीटर लंबे और वेट 200 से 250 ग्राम तक हो जाता है। उत्पादन के मामले में यह वैरायटी बेस्ट है। दोस्तों, मार्केट में इसका 10 ग्राम सीड्स लगभग 550 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक से परचेस कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे ही एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।